स्वागत बा स्वागत बा स्वागत बा कबीला कार्यक्रम जीवन के नगर में मई कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल ईश्वर के बारे में मही जन्नास मन लागल ईश्वर के बारे में मही जन्नास मन लागल तुहार संग संग क्रूस बोकनास मन लागल स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल तुहार हरेक पाइला में साथ देना मन लागल तुहार हरेक पाइला में साथ देना मन लागल संसार में हेराइल मनैले सुसमाचार सुनेना मन लागल स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल अंधकार में परल मनैन उजरार दगर देखिना मन लागल अंधकार में परल मनैन उजरार दगर देखिना मन लागल ख्रिस्त के राज्य में तुहार संग नैनास मन लागल स्वर्ग के देश में मही रमैनास मन लागल तुहार हाथ पकड़ कर चर्च जैनास मन लागल मनक भीतर संग्रल बाट छिटकेनास मन लागल मनक भीतर संग्रल बाट छिटकेनास मन लागल स्वर्ग के सुसंदेश ठहर सहन बटेनास मन लागल स्वर्ग के देश में मही रमैना मन लागल तुहार हाथ पकड़ के चर्च जैनास मन लागल कबीला आज फिर मेरे कार्यक्रम को पर्दा उघार सीख मैं आशा करत हूँ अपने रमैया मान का ये कार्यक्रम का समय समय सुनकर साथ देना कबीला ये कार्यक्रम बलिदान सेंटर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रवार सम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब करीब 15 सम्म अपने हुकनक आपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 MHz में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.np मार्फत संसार भर एक संग सुन सकबी ले तो कबीला आज कार्यक्रम होना चंपन व चैनार करा जाए टू इमेट किट वजन से सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर झोला झोला भित्र बाइबल राखे रहेका छु तिमी हीरा ओ राखे रहेका छु तिमी हीरा आजमै प्रस्तुत गर जाइटो आदरणीय पास्टर नरेलाल चौधरी ज्यूद्वारा यी सन्देश वहाँ आफ्नो सन्देश असीको सुरु गर्थ उइथा आज फे अपनन के माझमा आइ मिलल बा जटराजर एफएम सुनाती अपन हुकन मार हसे नमस्कार बा आइ मै आप अपनन से एक ठो धर्मशास्त्र क्रिश्चियन के धर्मशास्त्र बाइबल में से कुछ बात में बताए जाइटो ई कुरा चाहिँ अपन अगर सुनबी त अपन जीवन में अपन अगर बहुत आशीष पाइबी मैं यह कहत हूँ विश्वास जुनो सुन खाई ठाकले सुनना चाहे परमेश्वर के वचन हो सही था वचन के लगने परमेश्वर तो मैं आसमा अपन के माझम पवित्र आत्मा म कसी का न्यंगना कना विषय में मैं अपन के माझम बटवाई जाइ हूँ पवित्र आत्मा म कसी का न्यंगना आई यदि अपनों सुनती कल से ध्यान देकर सुन भी अपन के जीवन में अच्छा काम है मैं यह अपन के माझम कह चाहत हूँ बाइबल धर्मशास्त्र का बुटाइट कल से रोमी के पुस्तक में 8:14-16 पद में जे सक्कु जर जे परमेश्वर के आत्मा आत्मा से डोरायल रथ हुंग्र चाहे परमेश्वर के संतान हुई त कना बा एक ठो और एक ठो पद्म का बा कल से अने ऊ जुनो हमरा परमेश्वर के संतान हुई टी कहीं का पवित्र आत्मा जुनो हमार आत्मा से गवाही देता
उमार आस अपनके माझम एक ठो फरक किसिमके वचन मैलन लबाट उमजनु आस अपनक सुनबे आत्मा प्राण ओ शरीरके बारेमा मै बोटै जाय चाहतु उमारा ध्यान देके सुनबे जे मै वचन अपनके माझम पढ्नु और एक ठोर वचन मै पढ चाहतु दोस्रो कोरिन्थी 5:17 पदमका लेखल वाक्यले यह मारा कोई यीशु ख्रीष्म बाधा कलसे वहाँ उग्र चाहिँ नयाँ सृष्टि हुई था और उठके लाए पुरान चीज चाहिँ बीत गिल बा और हेरो त नयाँ आ गिल बा ई कलक मतलब का हो कलसे हमरा यीशु में विश्वास करना से आगा हमार बानी बेहोरा निमजा रह हमरा जा रक्षी खाई झगड़ा करी घर में मेल मिलाप नहीं रह अनि आजकल के दिन में एकदम ईमानदारी के खाँचो और अपन बोलल वचन में भुला जीना बानी भा इस दिन में त पुरान जीवन कह बेर जुनु हमरा झैं झगड़ा खेली एकले करना ठगना चोरी करना लूटना बेभिचार करना जनी पल पलानक जनी से खेलना अपन थरवा पल पलानक थर से सुटना अनि अटरा के लाए कि अस्वस्थ कुरा विभिन्न कुरा का चीज होना चाहे पुरानो कुरा का तर यदि अपना हमरा यीशु में बाती कलश यीशु में विश्वास करला बाती कलश ये सब कुछ चीज चाहे बीत गिल और चाहे नया आयल कहा पे वो नया कहा हो कलश हमार जीवन में से का देखा पर कलश प्रेम आनंद शांति दया भलाई विश्वस्तता नम्रता संयम ये नौठो चीज चाहे हमार जीवन में देखा पर पहले हमरे एकदम घिनलगती काम करे हमार दिमाग में निमजा मजा सोच हमरा समाज में बिगड़ना काम गिल करे अने अब चाहे हमरे यीशु में बाटी कर नया हो कर सब कुछ छोड़ कर जुनो अब आप हमरा प्रेम नहीं कर सकना हमने प्रेम कर सका पल अपने के जीवन में आनंद नहीं कर आनंद से मनाई सका पड़ल धीरज कर सका पड़ल दया भी दिखाई पड़ल अने नौठो फल चाहे हमारे जीवन में से देखा जाए कल से हमारे चाहे नया सृष्टि हुई थी हमारा शरीर में रहल से फिर हमारा भित्री गुण व्यवहार सोचाई विचार ये चाहे नया देख पड़ल ये कुरा चाहे यहाँ कहता आई मैं अपन के माजम याकूब 1:21 पद में फिर का कथा कल से ये मारक सबको फोर कुरा और सबको दुष्ट हन हटाओ वो अपन के हृदय में का कथा जन्मल वचन हन नम्रता से अपन ली और वो जुनो अपन हन अपनन के जीवन मरल प्राण हन उद्धार कर सकत आई हमरा अठन एक नया शब्द का आयल से प्राण आयल प्राण के बारे में प्राण आयल प्राण हन उद्धार कर सकत याकर मतलब हमार जीवन में आत्मा फे बा प्राण फे बा आप प्राण हन फिर उद्धार की खाँचो बा हटा कल से ओ मारा अपना मैं सुनती रहे प्राण के लग में का हो अपन के माजम व्याख्या करम और अठन मैं आग जाए तू उत्पत्ति 1:26-27 पद में का कहलवा कल से परमेश्वर का लगल से हम अपन प्रति रूप में बनाऊ मन परमेश्वर ऐसी सोचल कि मन अपन प्रति रूप में बनाई ओ 27 पद में का लगल से परमेश्वर अपन स्वरूप में बनील सृष्टि कर लगन कहलवाद या कर मतलब परमेश्वर जस्ता रहा वस्ता अपन प्रति रूप में बनील ओ परमेश्वर में जो स्वभाव ऋण ओ स्वभाव हमार अपन स्वभाव नहीं न मन बनेल त अठन हमरा का हेथी कल से अठन हमरा का हेथी कल से परमेश्वर आत्मा हुई था मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता हुई था परमेश्वर पवित्र आत्मा हुई था और अठन हमरे कह भेजनु अठन बुझपना बाट का बागल से हमरे कह बहुवचन हो तर हमरे कह भेजनु अठन का बुझथी कल से हमरा अठन तीन ठोकलक नहीं हो कि एक खटोकलक हो हमरे कबीर वहाँ पिता फेबा वहाँ पुत्र फेबा वहाँ पवित्र आत्मा फेबा या कर मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा हुई कल से परमेश्वर अपन स्वरूप में बनला अपन प्रति रूप में बनला कल से हमारा आत्मा फे हुई वो मार तम नम से शुरू में पहनु का पहनु कल से परमेश्वर के आत्मा ले जे डोरा लो कल से परमेश्वर के संतान हुई तो ये कुरा कहलवा ओ मार परमेश्वर आत्मा हुई कल से मन फिर आत्मा हुई थी अगर आग हम फिर कि हमार जीवन मरल प्राण है न उद्धार कर सकत ये कुरा हम रहे आई आप अच्छा अच्छा हम जाए हमार समय फिर हो तर हम एक ठोर कह वहाँ वहाँ भजन संग 83 में का कल बा कल से वहाँ वहाँ मुहार प्राण है न पुनर्जीवित पारश्यक था और उठ गए कि हुकार नाव
खातिर हमन चाहिँ धार्मिकतामा दोहोरै ठा कहलवा निगै ठा कहलवा ओ मार ये कहल कि याकर मतलब हमार प्राण न कुछ कुछ गड़बड़ी बा दाल में कुछ काला है कथा जोस्टा का हमार जीवन कुछ समस्या बा उ समस्या प्राण समस्या बा माने पुनर्जीवित बा ओकरा हमरे प्राण न चाह उधार के खाजो बा फिर कहल बा आई आब हमर मैं याकर व्याख्या में ऐसे कर ओ यो ना चार के 24 का कर कल से परमेश्वर आत्मा हुई तो ओ मार ओंकार आराधक हुकिन आराधना करना मने झुनुक आत्मा सत्यतामा हुकिन महिमा कर परत आराधना कर पर कहलवा त आई मै ठ आग जाय तो दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय के 16 देखि 18 पद में का कहलवा कल से इस कारण हामी हरेस ए मार कि हमरो चाहिँ हरेस नै खैथी हिम्मत नै हथि का करे कि हम बाहर के रूप मन मनुष्य तो चाहिँ नाश हुइथी जेलसे बाहर के रूप दिन प्रतिदिन बुढ़ीती जिले से फिर भित्र हमार आत्मिक मनुष्य तो चाहे शब्द शब्द दिन दिन प्रतिदिन चाहे नया होती जाए या अगर बनाए मतलब का आस हमारे स्याव जस्तो गला व मुहार जस्तो के बा कना हम सोचते तर ये तो एक दिन तो चाउरी पड़ जाए दोसों ट्रक के लागि टेक्नी लेना हो जी थी हमारा टेक्नी लेकर घुसकुरिया करना हो जी थी जो हमारा मुँह जी थी सुझ जी थी तई तो शरीर के हो तर भित्र मनुष्य हमार चाहे आत्मा प्राण चाहिँ नयाँ नयाँ होइटी चाहिँ अनि ऊ कुरा हान चाहिँ परमेश्वर कहाँ हमार एक ठाउँमै कहाँ चाहिँ पहिलो पत्रुस 3:4 का कहलवाग्ल से अपना के भित्री हृदय हन चाहिँ एकदम मजा व शान्त आत्मा के अविनाशी रत्नले सजाओ कहत परमेश्वरकी वचन ऊ जुन परमेश्वरकी दृष्टिमा एकदम मूल्यवान बा यी आकर भनाइ मतलब का आग्ल से पहिलो पत्रुस 3:4 कहता अपनन के भित्री हृदय है ना एकदम सजाई हमरा हमारा बाहरी रूप सजी थी जे हमार गालम अदंडी फोर अठावीन हटा एक लाख ब्यूटी पार्लर में जा कर दुनिया भरे का मेकअप करते अनि करया मने घोरर बन जी थी एक छिनिक लाख अनि ये चाहे लाली लगा लेठी करया करया ध्यावर में लाली लगा कर ओ ट्रस्ट घूर देखी था गाजल लगा ले था उन्हीं मजा न्यू मजा हो रु हमारे सपना तो अनिवार्य हो सर सफाई बिना अपन शरीर न सुगुर बिना राम रु तर ये चाहे एक ही छिन के लाख हो तर वचन कहा कहता गल से अपना भित्तर हृदय चाहे भलो ओ शांत अविनाशी रत्न ले सजाओ ये तो अब बा काल नहीं हो अब अपन स्वान जस्ता स्वान लगे थे वो किचुक कुचुक जाए अने हेरा जाए तर हमारे चाहे भित्तर हृदय में अविनाशी रत्न कभी कबू फे वो नष्ट नहीं होना चीज से चाहे हमरा सजाए हमारे जीवन है ना प्रेम जे जे हमरा अपन सुनते ओ मारा उसे बहुत मूल्यवान बा हमरा बरकत धीरे स्वान बाहर लगे थी मन देखा गला ठीक है बा तर ऊ तो कहीं समय के लागू तर अपन के हृदय मन अविनाशी रत्न ले सजीवी कल से परमेश्वर के दृष्टि में बहुत भारी मूल्यवान बा अपन हो कसिन रोस्टी था बाहर फिर सप्लाई थी बाहर के संग संग भीतर सप्लाई थी कि नहीं सप्लाई थी थे सत्य परमेश्वर बाटो सत्य जीवन मही टू मही द्वारा बाहेक और कोई द्वारा फिर परमेश्वर पिता कहाँ पुग नहीं सकता कहल बा वचन अपन हो बाटो सत्य जीवन था पा रखली यदि नी पैल होती कल से सुने हमारे बाहर रूप रंग अठरा माया प्रेम कथी से हमारे आत्मा हन हमारे सजाइती कि नहीं था कस्तो गाए अन्तिम एक ठो वचन पर्खमै सानो व्याख्या गरौँ और पहिलो थिस्लिङ्गी 5:23 पदमा कागलवा शान्तिका परमेश्वर अनि चाहिँ उहाँ चाहिँ हमन चाहिँ चोखा तुल्याइ था र उठ्नेको लागि अपनन के सक्कु आत्मा प्राण र शरीर हमार प्रभु येशु के ख्रिस्ट के आगमन में निष्कर्ण लंगर रहन कई कन कहलवा या कर मतलब हमारे जीवन में आत्मा फे बा प्राण फे बा शरीर फे बा ओ मार पावल प्रेरित का कहत से अपन आत्मा प्राण शरीर न अपन बल का येशु ख्रिस्ट के आगमन में निष्कलंग रहन कल बा का अपन के जीवन में आत्मा प्राण शरीर निष्कलंग बा त यदि नहीं हो कल से आज अपन लग मौका बा मैं अपन के माजम कह तू तब न कनो प्राण कनो प्राण है ना उद्धार के खाँचो बा पुनर्जीवित के खाँचो बा करनो वचन कहल त प्राण काजी पुनर्जीवित के खाँचो बा दिस कल से अर्थात तीन ठो कुरा बा मन इच्छा व भावना तीन ठो कुराले होइले कारणले प्राण है ना चाहिँ उद्धार के खाँचो बा दिस त इन उद्धार के खाँचो होइले कारणले मन अपन के मन काका स्वाचत काका स्वाचत इच्छा जुन काका हो काका जेटी जेटी डगरी में एक लाख भेटी छु त म यी कर्तु कना इच्छा सिन मनमा सिन था म अमेरिका अब मन का गरे अमेरिका पुगिन सोच जात अस भावना के कुरा यी तीन थो कुरा हेल कारणले प्राण अशुद्ध बा
असुदैल कारणले न उद्धारके खाँचो बा पुनर्जीवित खाँचो बा ओ मारे इन कसी शुद्ध बनिना त इन शुद्ध बनिना नै पवित्र शास्त्र धर्म शास्त्र बाइबल न पहरा परल अनि यी कुरा चाहिँ प्राण फ्यापन ठाउँमा त आत्मा के कुरा आइल आत्मा चाहिँ हाम्रै प्रतिरूपमा बनाउक ल परमेश्वर कलसे उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माबाट कलसे हाम्रो फे आत्मा होइटे काकर कि परमेश्वर आफै न बनिल ओ मारे हाम्रो आत्मा हाम्रो जीवनमा रहल आत्मा चाहिँ काखर अनक्लिन कहबेर एकदम अशुद्ध नि हो कि एकदम शुद्ध भा ओ मारे न उद्धारके खाँचो नि हो काकर कि त आत्मा शुद्ध भा परमेश्वरको आत्मा वर्षको शरीर जुन शरीर हन्न जुन का कल बाग्लस हेमा चिस तिन्थो कुराले आत्मा प्राण शरीरले बनल बाग्लस आत्मा अशुद्ध बाग्लस प्राण अशुद्ध बा का करके मन इच्छा भावना अहिले कारणले उनी ठिक बनाएको बाइबल पर र शरीर जुन सक्कु चिसके संसारिक कुराले भरल चिस हो ये बडी बडी कठैन अल काइन अफ फ्लेसली डिजायरले एकदम फुलफिल हुल कुरा हो ओही मार म यहाँ सपनके माझमा ऐना दिन शरीरके बारेमा फे अपनके बारेमा प्रचार म सिकेँ तर आजको दिनमा एक चाहत हुँ आशमै अपनन गर्नु पवित्र आत्मा के गयो कसिक न्याङ्ना त आश अपना कुन आत्माले न्याङ्गते आफ्नो प्राण गयकर्ता कि शरीर गयकर्ता कि आत्मा गयकर्ता यदि प्राण गयकर्ताको लागि आफ्नो मनमा इच्छा भावना दुनियाँभरि चिस आइठे दुनियाँभरि तर यदि आत्मा गएकर्ताले आफ्नो सङ्गति जिना वचन पहर्न घरेलु सङ्गति जिन दशाङ्श दिन अनि मण्डलीन जा सहायता गर खोज्न असिन कुरा चाहिँ आफ्नो जीवनमा देखाए प्राण शरीर गएकर्ताले आफ्न जिना त जिना चर्छ पाछ जिना सङ्गति सुत्ति कि गिउनिन जयमसीकल बेपट्टा भाग्दैन असिन कर्ना भने विस्तार करट 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 र सङ्ग्रह त असिन खतरनाक जुन शरीर गएकर लिन् त उग्र चाहिँ डुठो जन्नी लान सक्थ बेस्यालयमा सु जाइसक्थ उग्र जहाँ रक्सिखेर झैँ झगडा गरेर यी चाहिँ शरीर काम खेल्लो उमारमै आफ्नो माझम काट आफ्नो कुन कुराले गएका त आत्माले कि प्राणले कि शरीरले सोची आ सप्न उग्र मै यही कुरा आफ्नो माझमा धर्ल बाटो आफ्नो सुन्न बाटेकोले सोचे मनै तिन थो कुराले बाट आत्मा प्राण ओ शरीर आफ्नो कुन कुराले गएका त जे जे मर्ग बाट सुन्थे अपनाहरू ख्याल गरी अनि अपनाहरू वक्र पाछ लागि म यही कह चाहन्छु त हुँथा आजके दिन मैले अपनाके माझ बिदा हुँ त चाहन्छु ऐना दिन मैले भेट भए नमस्कार हजुर नमस्कार मेरो नाम दिलबहादुर दमाई हो महेन्द्र नगर वार्ड नम्बर 18 बस्छु र मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण कसरी गरेँ भने मेरो श्रीमती दुइटा थियो एउटा श्रीमती बित्यो र अनि 4.5 वर्षको छोरा पनि बित्यो म एकदम परमेश्वरमा त्यति बेला थिएन जब पछि मेरो दोस्रो श्रीमतीको विवाह गरेपछि त्यो पनि काम थियो त्यसको घाँटी बन्द हुन्थ्यो त्यस कारण मलाई अप्ठ्यारो थियो धामी झाँक्री धेरै ठाउँ ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई कमाए त्यसले केही गर्न सकेन अनि त्यसपछि एकजना प्रभुको दास पालजी आउनुभयो र उहाँले मलाई 5 बजे मेरो पसलमा भेटेर मलाई भन्नुभयो तपाईँको घर आउँछु भनेर म उहाँलाई धन्यवाद भने ल आउनु सक्नुहुन्छ भनेर मैले भने त्यसपछि म जब साँझ गएँ मेरो परिवारको खुन बग्ने त्यो एउटा बच्चा खेर गएको थियो त्यो बच्चा खेर गएपछि 1.5 महिनासम्म 5 अल्ट्रासाउन्ड गरेँ 3 नेपालमा र 2 इन्डियामा गरेँ त्यसले खुन रोकिएको थिएन म बहुत परेशान थिएँ दोस्रो दिन पनि अस्पतालमा जाने भनेर तयारी गरिराखेको थिएँ दोस्रो दिन पनि म अस्पताल जान तयारी गरिराखेको थिएँ तयारी गरिराखेको थिएँ मैले भाडो पैसा लगाएर लग्दै थिएँ त्यसपछि त्यही साँझ त्यो पालजी आउनुभयो र त्यहाँ मलाई प्रभुको प्रार्थना गर्नुभयो तपाईँको घरमा आउँछु र म विश्वासी हो म तपाईँको लागि केही प्रार्थना गर्न सक्छु भनेर भन्नुभयो म त्यति बेला आत्तिएको थिएँ मेरो एउटा श्रीमती र छोरा पनि बितेको थियो दोस्रो श्रीमती पनि बित्छ कि भन्ने मलाई शक लागेको कारण म आत्तिएको थिएँ हुन्छ म भनेर मैले भने उहाँ साँझ 2 भएर आउनुभयो मेरो घरमा र उहाँले मलाई बजारमा भेटेर तपाईँको घर आउँछु म आउन सक्छु कि नै भन्ने सोद्धाखेरि मैले आउन सक्नुहुन्छ भनेर भने साँच्चै नि साँझ उहाँ आउनुभयो 2 र प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले मलाई 5 बजे बजारमा भेट्नुभयो र 5 बजेदेखि मेरो परिवारको खुन बग्ने जो बिमारी थियो त्यो सन्चो भएछ फेरि उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा मलाई त्यो सुनाउनु भयो एउटा लहु बोग्ने आइमाईको बारेमा मती 28:28 त्यो घटना रहेछ त्यो पनि पढेर सुनाउनु भयो र मेरो जीवनमा त्यहाँदेखि उहाँले विश्वास
प्रार्थना गरिदिनु भयो र म विश्वास गरे त्यसपछि अनि म परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै गए परमेश्वरले साच्चै मैले परमेश्वरलाई नचिनेको कारण म यति दुःख पाए भनेर मैले भन्ने सोचे कोबेला आज कार्यक्रमको समय ओरागिलकै पर्दाको पारसे प्राविधिक संग्रह नरेन्द्र कुमारजी संकेत गर्दीबाट कोबेला आफ्नो कुन ध्यारसे ध्यार धन्यवाद दिन चाहटु अबसम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिली अस्तकनमय प्रविधि मन साथ दिन संग्रह नरेन्द्र कुमारजी अनफे ध्यारसे ध्यार धन्यवाद दिन चाहटु आफ्नो कुन कार्यक्रमको सुन लागत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी कोबेला आप महिन अपने हुकन से विदा ले परी और अठार आज के दिन यह समय मन भ्याट हुई बाचा करती विदा चाहटू सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के दगर